स्वागत है आपका एक नए क्लास में आपके यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के दो लेक्चर को ख़त्म किया, जिसमें हमने पढ़ा कि उसका वर्किंग सिस्टम कैसा है, टार्क कैसा बेयर करता है, स्लिप के साथ मतलब स्लिप अगर जीरो हो जाता है, टार्क भी जीरो हो जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में समराइज करके पूरा चीज़ हमने पढ़ा कि कौन कौन से इंडक्शन मोटर हम लोग होते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब हम क्या है कि अब उस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, मतलब कि स्टार्ट कैसे किया जाता है, प्रारंभक के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके अलग अलग स्टार्टर आते हैं, ठीक है। तीन चार प्रकार के हैं आपके, चार प्रकार के स्टार्टर होते हैं आपके हमारे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्टार्टर क्या हमारे हैं, टाइप्स ऑफ स्टार्टर जिसमें सबसे पहला आता है हमारा डी ओ एल स्टार्टर। डी ओ एल स्टार्टर को बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। ये जो स्टार्टर होता है डायरेक्ट ऑनलाइन से जुड़ा होता है, ऑनलाइन से जुड़ा होता है, स्विच एक बेसिकली स्विच की तरह काम करता है हमारे, ठीक है। उसे स्टार्टर तो सभी एक तरह स्विच की तरह काम करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट जुड़ा होता है हमारे, इसके बोलते लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। दूसरा होता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, और तीसरा होता है हमारा स्लिप रिंग स्टार डेल्टा स्लिप रिंग स्टार्टर, ठीक है। चौथा होता हमारा ऑटो रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है हमारा, क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है। ये हमारे बेसिकली तीन चार प्रकार के हमारे क्या हमारे स्टार्टर होता है, ठीक है, ओके। और एक और होता हमारा पांचवा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, क्या होता हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग स्लिप रिंग मोटर स्टार्टअप, जो हमारा जो स्टार डेल्टा स्लिप रिंग स्टार्टअप होता है इसको बोलते हैं, एक और भाषा में एक और नाम बोलते हैं इसको, बोलते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टअप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रोटर, यही वाला स्टार्टअप लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टअप, क्या बोलते हैं इसको, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टअप, ठीक है। तो चार प्रकार के स्टार्टर हैं हमारे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, अलग अलग इसका उपयोग अप टू फाइव हॉर्स पावर यानी कि 5 हॉर्स पावर तक अधिकतम इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं, 5 हॉर्स पावर तक का जो भी मोटर होता है उसको चलाने हेतु इसी स्टार्टर का क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मोटर का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, उससे ज़्यादा मोटर हॉर्स पावर के लिए स्टार्टर का, ठीक है। जहाँ पर स्लिप रिंग जो मोटर होती है, स्लिप रिंग मोटर होती है उसको हम क्या करते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर के द्वारा करते हैं। एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में ऐसे मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, इसमें क्या होता है एक ही वाइंडिंग पे दो कॉइल होते हैं, मतलब इसकी अलग अलग दो सेपरेट वाइंडिंग नहीं होती है, एक ही वाइंडिंग होती है, इसमें टैपिंग किया जाता है, टैपिंग के माध्यम से सेकेंडरी दो भागों में करते हैं बांट देते हैं, आई पास होते ना टैपिंग के माध्यम से, इसलिए वो रियोस्टेट देखा आप लोगों ने ना, रियोस्टेट क्या होता है ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग ऐसे उंगली इतना दूर का रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है, उस पर नॉब नाद होती है वो उसको बढ़ाते घटाते हैं, उसको दूर ले जाते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। तुम्हारे पास रोटर रेजिस्टेंस ये हमारे वो होता है रियोस्टेट होता है, उसी तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में भी क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हम लोग डी ओ एल स्टार्टर, क्या पढ़ेंगे हम लोग डी ओ एल स्टार्टर, ठीक है ना। इसके तीन छह मेन चीज होते हैं हमारे, कॉन्टैक्टर होता है,
और NVC होती है, NVC लो वोल्ट कॉइल बोलते हैं, और एक होता है हमारा ओवरलोड रिले, ठीक है, ओवरलोड रिले। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे DOL स्टार्टर के मुख्य भाग, क्या पढ़ेंगे लोग, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के मुख्य भाग। अब देखो इसमें पहला हमारा कॉन्टैक्टर, क्या हमारा कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर। दूसरा हमारा होता है हमारा NVC, क्या बोलते हैं इसको NVC, NVC को फुल फॉर्म बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल, क्या बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल। तीसरा होता है हमारा, तीसरे को बोलते हैं हम लोग ओवरलोड, ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड कॉइल, क्या बोलते हैं लोग ओवरलोड कॉइल बोलते हैं। आई बस बोले ओवरलोड कॉइल या फिर ओवरलोड रिले बोलते हैं, और रिले भी दूसरे से बदल जाएगा ओवरलोड रिले। अदो एक चीज समझो, रिले से क्या समझ में आ रहा है, रिले एक तरीके से एक ऐसा सेंसिंग डिवाइस है जो सेंस करता है, क्या करता है हमारा सेंस करता है, कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि होती है उसको क्या करता है वो सेंस कर लेता है, हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ी है, ठीक है। रिले बेसिकली एक सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है, इसके बाद बाकी का आगे का काम वो अलग चीज़ करता है, प्रक्रिया करती है। समझ में बात ना, देखो कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर में क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, कॉन्टैक्टर संरचना का होता है, ठीक है, ऐसे संरचना का होता है कॉन्टैक्टर। इसमें क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे तो जो नॉब होती है आप इसमें क्या करते हैं मिल जाता है, और सप्लाई हमारी क्या हमारी चालू हो जाती है, ठीक है। कॉन्टैक्टर कुछ इसलिए कॉन्टैक्टर बेसिकली क्या होता है, दो सिरों को क्या करता है जोड़ता है, दो सिरों को करने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारा है सप्लाई लाइन, सप्लाई लाइन क्या हमारी है सप्लाई है, और ये हमारी क्या लोड से क्या हमारी कनेक्टेड है, लोड से कनेक्टेड है मतलब मोटर से क्या हमारी कनेक्टेड है, मोटर से हमारी क्या कनेक्टेड होती है, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्टर वहाँ पे बेसिकली यही काम करता है, ठीक है ना, जैसा कुछ जोड़ देगा काम करता है, तो फिर बोर्ड बॉक्स आई उसमें वो क्या कहा था हमारा कॉन्टैक्टर कहा था, बल्बत को ऑन या ऑफ करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, आई बस उसमें ठीक। दूसरा हमारा NVC नो वोल्ट कॉइल, नो वोल्ट कॉइल का बेसिकली क्या होता है, इसमें मान लो कि परिपथ में जैसे कि परिपथ में अधिक लोड हो गया, सॉरी नो वोल्ट कॉइल में अधिक वोल्टेज सप्लाई अगर हो गया किसी कारण, ठीक है, हाँ नो वोल्ट कॉइल क्या होता है, इसमें मान लीजिए सप्लाई हमारी है, मोटर चालू हमारा मोटर रन कर रहा है, सप्लाई मतलब आपके दे दिया गया सप्लाई, मोटर रन कर रहा है, ठीक है, मोटर रन करने के कंडीशन अब क्या होता है कि ऑटोमेटिक सप्लाई चली जाती है, क्या होती है भाई सप्लाई चली गई, अब सप्लाई चली गई, सप्लाई चली जाती है उस समय क्या होता है जो मैग्नेटिक फील्ड अब देखो स्टार्टर स्टार कंडीशन में जो मोटर जो होता है वो हमेशा स्टार्ट किस में होता है स्टार में होता है, चलता रन करता है किस में करता है डेल्टा में रन करता है, क्योंकि जो हमारा स्टार्टर होता है हमारा इस तरीके से देखो ये हमारी नॉब बनी हुई है, यहाँ पे क्या होता है मैग्नेटाइजिंग का एक NVC लगा होता है, एक बार क्या होता है NVC होता है, इसमें क्या होता है कापर की क्या करता है वाइंडिंग लगाया जाता है, कापर की क्या हमारी वाइंडिंग लगी रहती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा ऐसे इसमें कनेक्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है मूठ लगा होता है इसका, ठीक है ना, मूठ लगा होता है। अब जब इसको नीचे करते हैं लोग, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है स्टार में कनेक्ट होता है, स्टार में होता हमारा ये किसमें होता है स्टार में होता है, और ये किसमें होता हमारा डेल्टा में होता है, स्टार में होता है स्टार में होता है और डेल्टा में होता है, आई समझ लो। तो होता क्या है कि ये यहाँ पे चल रहा है स्टार की सप्लाई आई, आपको मोटर चालू करना है, यहाँ पे ऐसे नीचे किया तो मोटर स्टार्ट में क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होती है तो अपनी प्रारंभिक धारा का मान लो कि मोटर को रन करने के लिए 3 एम्पीयर की आवश्यकता है, कोई मोटर है उसको कंटिन्यूस रन करने के लिए कंटिन्यूस रन करती है, उसके कॉइल में कितने एम्पीयर की करंट रहती है 3 एम्पीयर की करंट का होता है कंटिन्यूस फ्लो करती है, आई बात समझो।
ठीक। अब जब मोटर स्टार्ट होती है उस समय क्या होता है, अपनी जरूरत की धारा का 5 से 7 गुना क्या लेती है, एक्स्ट्रा करंट लेती है, क्या करती है 5 से 7 गुना क्या करती है, एक्स्ट्रा करंट लेती है, ठीक है ना। अब इस एक्स्ट्रा करंट लेती है, अब यही करंट अगर मोटर में ज़्यादा समय तक रह जाए, 10 सेकंड तक रह जाए, आप बताओ मोटर में जो कॉइल होती है पत्ती बंदी होती है उसमें अगर 15-18 एम्पीयर करंट फ्लो होने लगे ज़्यादा देर तक, तो कॉइल क्या होगी हमारी, जल जाएगी, कॉइल हमारा क्या होगा, जल जाएगा। अब कॉइल जब जल जाएगा उससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग, इसके स्टार में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, क्या हमारा सभी क्या होता है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। अब रेजिस्टेंस क्या करते हैं हमारे, बेसिकली उस करंट को क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, करंट को क्या करते हैं हमारा, लिमिट करते हैं, ठीक है ना। आज जब मोटर अपनी पूरी स्पीड का 7 to 7 जब फुल स्पीड पर आ जाती है मोटर अपने रनिंग कंडीशन में उस अवस्था में क्या करते हैं, इसको मुट को ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, और हमारे डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, मोटर कंटिन्यूस रन करने लगती है, ठीक। अब यही के लगा होता है हमारा NVC, क्या लगा होता है हमारा NVC, लो वोल्ट हाई वोल्टेज। इसमें क्या होता है, अब सप्लाई चली जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टर जब सप्लाई चली जाती है तो हाँ ये हमारा क्या होता है, ये जो कॉन्टेक्टर होता है हमारा, ये क्या होता है, नीचे गिर जाता है, प्रवृत्ति क्या होता है, नीचे गिरता, कैसे गिर जाता है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटाइजिंग कॉइल होती है, मैग्नेटाइजिंग जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है इसी के कारण से चिपका रहता है इसमें, ठीक ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसी कारण से चिपका रहता है, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा कि जब तक उसमें किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट मान लो कॉइल हमारा कोई है, सोलेनॉइड हमारा है मान लो, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे ही करंट को ब्रेक करेंगे, जैसे ही करंट को ब्रेक करें बंद करेंगे तुरंत क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें होता है, जैसे ही सप्लाई जाती है हमारी, ठीक है ना, सप्लाई जैसे ही जाती है उस अवस्था में क्या होता है, ये कॉन्टेक्टर होता करता है नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है कॉन्टेक्टर, ठीक। अब दोबारा जब सप्लाई आएगी तो ये दोबारा से होगा क्या, चालू करना पड़ेगा ना, अन्यथा क्या होगा कि मान लो अगर ये NVC ना लगा है इसमें, तो मान लो हमने ऊपर कर दिया, चलो सप्लाई चली गई, ठीक। अब सप्लाई दोबारा आ गई, क्या हुई, तुरंत सप्लाई दोबारा आ गई, तो ये तो इसी पे है ना, टिका हुआ है ना, तो क्या होगा मोटर में, क्या होगा, हैवी करंट फ्लो होगी। अब जब हैवी करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, मोटर आप क्या होगा, चल जाएगा, आई पास होगी ना, इसीलिए हम क्या लगाते हैं, 9 वोल्ट कॉइल लगाते हैं, आई पास होगी ना, कि नहीं आई समझे, आ गई समझ में अच्छे से, ठीक है, क्या बोलो ना, 9 वोल्ट कॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसमें पुश ऑन बटन होता है, ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, इसमें क्या होता है, पुश ऑन बटन होता है, ठीक है, आई पास होने है, अच्छा बस इसे पुश करिएगा। देखिए हम बता रहे थे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में, थोड़ा सा वो हम सोचे प्रैक्टिकली ही दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में बता रहा था कि देखिए इसमें पुश ऑन बटन होती है, पुश ऑन ऑफ क्या होती है हमारी, बटन होती है, ये हमारे क्या है, पुश ऑन बटन है, देखो मोटर चालू हो गया ना, और ये हमारा क्या, ऑफ हो गया, आई बस समझो ना, ये पुश ऑन बटन होती है हमारी, पुश ऑन ऑफ क्या होती है हमारी, बटन होती है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए खुलिए अभी सर, देखिए आप लोग इसमें जो स्टार डेल्टा हमारे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, कॉन्टैक्टर के बारे में हमने बात, हम कॉन्टैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए ये हमारे सभी क्या लगे हैं, कॉन्टैक्टर लगे होते हैं हमारे, क्या हमारे कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, यही हमारा है 9 वोल्ट कॉइल लगा होता है, ये हमारा क्या था, 9 वोल्ट कॉइल होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब जैसे ही हम इसको पुश करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम जब इसको पुश करते हैं तो इसमें ये मैग्नेटाइज हो गया है, ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिए, अब ये मैग्नेटाइज हो गया है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, करंट फ्लो करते हैं इसमें, अब करंट फ्लो करने है, अभी हमारा मोटर चल रहा होता है, ठीक है। अब क्या है कि अब सप्लाई चली जाती है, एक बैक मान लो सप्लाई हमारी क्या हुई, चली गई, काम नहीं कर रहा क्या, देखिए इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, हाँ सप्लाई चली जाती है, अगर मान लीजिए बैक तो इसमें काम नहीं कर रहा था, सही, सॉरी कुछ दिक्कत है इसमें है, ठीक, और ये काम नहीं कर रहा, देखिए काम नहीं कर रहा, ये इसे बंद करना पड़ रहा है, ये ख़राब हमें लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है बेसिकली कि जब सप्लाई चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या गिर जाएगा, ये हमारा गिर जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में,
अभी जब ये हमारे चालू करते हैं, देखिए अब चालू किया हमने, तो ये देखिए ये दूर हो गया, ये कॉन्ट्रेक्टर होगा, देखिए ये दूर हो जाएगा हल्का सा। देखिए ये दूर हो गया ना, चल रहा है सप्लाई। अब जैसे ही अगर इसको हम बंद करेंगे, दूर हो गया ना, नज़दीक हो गया इसके, ठीक। तो ये हमारा क्या होता है, 9 वोल्ट कॉइल होती है हमारी, जो सप्लाई के जाने की स्थिति में क्या होता है, सप्लाई चले जाने में क्या होता है कि हट जाता है, ठीक है ना। हमारा क्या कहता हूँ, 9 वोल्ट कॉइल होता है। इसी में क्या होता है, एक ओवरलोड रिले होता है। ओवरलोड क्या होता है, हमारा रिले लगा होता है। ओवरलोड रिले क्या बेसिकली करता है कि यह जब ज़्यादा करंट परिपथ में फ्लो हो जाती है, जब ज़्यादा करंट परिपथ में फ्लो हो जाती है, ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती है, तो वो क्या करता है, सेंस कर लेता है। रिले क्या करता है, हमारा सेंस कर लेता है। जब रिले सेंस कर लेता है तो क्या करता है, सूचना दे देता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि हमारी जो ये जब रिलेशन के लिए परिपथ को सूचना देता है, तो ये उसके बाद क्या होता है, हमारा ऑफ कर देता है इसको। मोटर को क्या करता है, हमारा ऑफ करता है। ओवरलोड होने से क्या होता है, बचा लेता है। अब मोटर हमारी क्या होती है, जलने से बच जाती है। ये था हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है ना। इसमें कॉन्टैक्टर लगा होता है, 9 वोल्ट कॉइल होती है, और हमारा क्या होता है, रिले लगा होता है हमारा, ठीक है ना। आई बस समझ में, तो तीन पॉइंट है इसके बेसिकली। और इस मोटर का, इस स्टार्टर का उपयोग हम लोग अधिकतम 5 हॉर्स पावर तक कर सकते हैं, केवल किस में कर सकते हैं, केवल 5 हॉर्स पावर तक इसका उपयोग करते हैं केवल हम लोग, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहलाता है, ठीक है, DOL स्टार्टर कहलाता है, ठीक है, हो गया। ये था हमारा DOL स्टार्टर के बारे में पूरा स्ट्रक्चर कहानी थी, ठीक है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, देखें सही काम करने का नहीं कर रहा है। हमें लग रहा है इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, तार वार कहीं छूट गया है। हाँ चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है, बाद में। ये यही इसमें इसमें ये जो वाला दिख रहा है ना, ये हमारा ये सब क्या होता है, इसमें एनर्जाइज कॉपर का होता है, ये सिलिकॉन स्टील की पत्ती होती है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक जो बनाया गया होता है, लपेटा गया ट्रांसफार्मर की तरह इसके लिए। तो जैसे क्या करता है, जब मैग्नेटाइज होता है ना, तो ये इसमें टच हो जाता है, ठीक है ना। आई बस नहीं, जब नहीं होता है दूर हो जाता है। आई बस नहीं, इस हिसाब से काम करता है ये हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा स्टार डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे लोग, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, देखिए यहाँ पे एसी स्क्वायरल केज मोटर है हमारा है, ठीक है। ये हमारा एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हमारा है, इंडक्शन मोटर ये भी हमारा रखा हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले यहाँ पे देखिए, नीचे मैं जैसा कि बता रहा था, स्टार कंडीशन होती है, और ये हमारे क्या रन कंडीशन है, ठीक है। और ये हमारा क्या पुश ऑन ऑन पुश बटन है, ठीक है। इसको बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे इसमें आप लोग, देखिए इसमें क्या है, अब इसका देखते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं, अब उसके बाद बताते हैं आपको कौन, ठीक। हमने सप्लाई चालू किया, अब हम सबसे पहले इसमें किसको किसमें कनेक्ट करते हैं हम लोग, स्टार में कनेक्ट करते हैं। मोटर रनिंग कंडीशन में आ गई, ऑफ में ला दी हमने, किस में ला दी हमने, अब क्या ऑफ में कर रहा हूँ, पहले स्टार में लगाया हमने, उसके बाद किस में लगाया, डेल्टा में लगाया। अब देखिए ये हमारा क्या पुश ऑन बटन है ना, अब क्या हमारी सप्लाई चली जाती है, देखो देखिए सप्लाई चली गई। अब ये जो 9 वोल्ट कॉइल हमारी लगी हुई है, यहाँ पे NBC लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा देख रहा है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, दोबारा ट्राई करते हैं। अभी देखिए ऑफ स्थिति में मोटर है, मोटर क्या हमारी ऑफ स्थिति में है, तो ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं बन रहा, ठीक। और ये हमारा दोनों कॉइल हमारे क्या है, दूर दूर है, ठीक है। ये दोनों कॉइल दोनों हमारा कॉन्टैक्ट क्या हमारे दूर दूर है, ठीक। अब जब हम इसको अब इसमें सप्लाई देते हैं, सबसे पहले स्टार में करते हैं, देखिए अभी ये भी नज़दीक है, दूर दूर है ना। अब जैसे इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं, इसमें सप्लाई चली जाती है, इस 9 वोल्ट कॉइल में क्या होती है हमारी सप्लाई चली जाती है, ठीक है। अब जब इसमें सप्लाई चली गई, अब क्या हुआ, अब मोटर हमारा चल कर रहा है, रन कर रहा है ना, अब क्या है ऑटोमेटिक सप्लाई चली गई, यानी सप्लाई चली गई, यानी कि पूरे सिस्टम से करंट चला गया ना। अब ये हमारा क्या हो गया, दूर दूर हो गया, और हमारे कॉन्टैक्ट को इसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया हमारा, ठीक है। मोटर क्या हो हमारा जलने से बच जाएगा, क्यों जले, कैसे जलने से बच जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर ये दोनों आपस में सटे ही रह गए,
अगर इसमें किसी कोई मैकेनिकल फॉल्ट भी होता तो भी सटा रह सकता है, उस स्थिति में क्या होगा, ये मोटर जो होगा हमारा इस डेल्टा में स्टार्ट होगा। और जैसा कि आपको पता है कि जब मोटर स्टार्ट होती है तो क्या होता है हमारे इसमें ज़्यादा करंट लेती है, मोटर जब स्टार्ट होती है तो क्या करती है हमारी ज़्यादा करंट लेती है, ठीक है ना, अपनी जितनी करंट की उसकी रिक्वायरमेंट होती है उससे भी क्या करती है हमारी ज़्यादा करंट लेती है, हमारी क्या लेती है उससे भी ज़्यादा करंट, 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेती है। अब जब 5 से 7 गुना ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगी किसी भी मोटर में तो उसका मोटर का कॉइल क्या होगा हमारा जल जाएगा, ठीक है। कॉइल को जलने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसका उपयोग करते हैं, स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर क्या होता है हमारा बेसिकली, एक स्टार्टर का उपयोग बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि करंट को क्या कर सके, लिमिट कर सके, करंट को कर सके सीमित कर सके, करंट को सीमित करने के लिए क्या करते हैं स्टार्टर का उपयोग करते हैं। एक बार आप ट्राई करिए चालू करके देखिए, नीचे करिए थोड़ा देर, 10-15 सेकंड रुकिए, 10-5 सेकंड ऊपर करिए, बैक, ये हमारा क्या है पुश ऑन बटन है, ठीक है ना। अब यहां से भी मोटर को बंद किया जा सकता है, ऑन ऑफ क्या हमारा पुश बटन है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा था स्टार डेल्टा स्टार्टर, आई बात समझ में। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और अभी नोट्स में लिखवा दूंगा कुछ मैं, चलिए पुश करिए इसको। देखिए हम लोगों ने ड्यूल स्टार्टर पढ़ा और स्टार डेल्टा स्टार्टर पढ़ा, और हमारे सामने थ्री पॉइंट स्टार्टर, बेसिकली थ्री पॉइंट स्टार्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग शंट मोटर को स्टार्ट करने, डीसी शंट मोटर को, कंपाउंड मोटर, इन सब मोटर का कहते हैं स्टार्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है कि हमने यहाँ पे सप्लाई चालू किया, यहाँ पे देखिए ये इसका मुठ होता है, धीरे धीरे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा करंट होता है, ठीक, रेजिस्टेंस ये धीरे धीरे, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ रेजिस्टेंस कम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ पूरे रेजिस्टेंस को कम कर दिया, यहाँ भी जो धीरे दिख रहे हैं सभी क्या होते हैं प्रतिरोध होते हैं, मोटर जो किया पेचकस, हाँ ये जितने दिख रहे हैं सभी क्या होते हैं सीरीज में किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में क्या होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे एक बैक सप्लाई जाती है, ये मैकेनिकल फॉल्ट है इसमें, इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है इसमें, ठीक है, इसमें मैकेनिकल फॉल्ट है, मैकेनिकल फॉल्ट मतलब क्या कहता था इसका जो हमारा सिस्टम है थोड़ा सा ढीला ढीला हो गया है, आई बस समझ में, तो मैकेनिकल फॉल्ट। अब देखो यहाँ पे दोबारा चालू करते हैं, ठीक, आप देख रहे हैं इसमें क्या है, ये हमारे सभी किस में कनेक्ट है, सब रेजिस्टेंस हमारे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का इसमें करंट है सीरीज में करंट है। जैसा कि आपको पता है कि मोटर को स्टार्टिंग में क्या होता है ज़्यादा करंट लेती है, तो रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो करंट कम जाएगा। अब धीरे धीरे इसको क्या करते हैं ऊपर बढ़ाते हैं, अब मोटर क्या रन कंडीशन में आ गई पूरी, और हमने क्या कर दिया इसको चालू कर दिया, मोटर हमारे क्या हो चलने लगी, अब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस एकदम कम हो गया है, ठीक है ना, आई बात समझे। तो ये था हमारा, ये यहाँ भी हमारा क्या है NBC लगा हुआ है, देखो इसमें मैग्नेट बन रहा है, देखिए मैग्नेट बन रहा है, ठीक है, NBC है, नो वोल्ट कॉइल भी, ये भी होता हमारा, ओके। तो ये हमारा था थ्री पॉइंट स्टार्टर, जो जिसका उपयोग हम लोग डीसी शंट मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए बंद करते हैं, देखिए काम कर गया ना, सप्लाई चली गई, नो वोल्ट कॉइल इसमें मैग्नेट नहीं बना गया, मैग्नेट नहीं है बल्कि अभी इसमें मैग्नेट नहीं है, तनिको तो नहीं सर, थोड़ा सा भी है मैग्नेट नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अभी देखो अभी हम चालू करते हैं, अभी भी इसमें मैग्नेट नहीं है, अभी भी इसमें क्या है मैग्नेट नहीं है, लेकिन अब हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, अभी इसमें मैग्नेट बन गया है, ठीक है, हाँ। इसको क्या करता है इस नॉब को पकड़े रहता है, ठीक है ना, ये कॉन्टैक्टर जो है हमारा नॉब बेसिकली, ठीक है ना, काम कर रहा है हमारा ये, ठीक है। तो ये था हमारा थ्री पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। तो ये हमारा इसका उपयोग डीसी शंट मोटर को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, हो गया। देखिए अभी तक मतलब हम लोगों ने प्रैक्टिकली दिखाया आपको कि कैसे डायरेक्ट एलएन स्टार्टर काम करता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है, थ्री पॉइंट स्टार्टर काम कैसे करता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रैक्टिकली पढ़ा, ठीक है। जैसे कि अभी स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर है वो नीचे लगा हुआ है लैब में, उसको भी अभी दिखा देंगे कुछ देर में,
लेकिन अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मतलब दोनों का कंपेरिजन पढ़ लेते हैं बेसिकली, कि मतलब जो डी ओ एल स्टार्टर होता है चाहे हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, इन दोनों का करते हैं कंपेरिजन पढ़ लेते हैं, मतलब क्या क्या इसके तुलनात्मक अध्ययन है, क्या करते हैं तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर तथा लिखेंगे एक एक, 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 एक तरफ लिख लो रेफरेंस, क्या लिखेंगे हम लोग रेफरेंस, रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे लिख लीजिए डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा हमारा है स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्या हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, पूरा वीडियो मारा है ना, ठीक है। इसको चालू क्यों कर रहे हैं, दिक्कत हो रहा होगा, चलिए ठीक है। चलिए सबसे पहला रेफरेंस है स्टार्टिंग करंट की बात कर लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग स्टार्टिंग, पहला पॉइंट इसका है स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट। देखिए जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में हम करंट को क्या कर सकते कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, करंट को क्या कर सकते हैं कम नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे करंट, यू कैन नॉट कंट्रोल, कैन नॉट कंट्रोल करंट, यानी कि करंट को इसमें क्या कर सकते कंट्रोल नहीं कर सकते, कम नहीं किया सकती, ठीक। दूसरा इसमें क्या है स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग कि करंट, करंट कंट्रोल, कंट्रोल बाय स्टार डेल्टा, कंट्रोल बाय फर्स्ट, फर्स्टली स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन कि स्टार में इसको कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करंट को क्या कर सकते हैं हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग स्पीड, क्या हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड, ठीक है। इसमें क्या होती है अधिक होती है, क्या होती है हमारी मोर होती है, इसमें क्या होती है हमारी लेस होती है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये हमारा क्या होगा, दूसरा पॉइंट आए बात समझ में, ठीक। पावर, तीसरा पॉइंट हमारा क्या जाता है पावर, पावर मतलब कहाँ तक यूज कर सकते हैं, अप टू फाइव हॉर्स पावर, यानी कि 15 हॉर्स पावर तक इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। अब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है इसका उपयोग कहाँ तक कर सकते हैं, अप टू 15 हॉर्स पावर, कहाँ तक स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं 15 हॉर्स पावर तक क्या कर सकते हैं इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आई बस समझ में नहीं आई समझ में। अब अगला है स्टार्टिंग टार्क, टार्क मतलब क्या होता है बलागुड़, यानी कि स्टार्टिंग बलागुड़, प्रारंभक बलागुड़, इसमें क्या होता है हमारा कम होता है, इसे क्या होती हमारी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के टार्क क्या होती हमारी कम होती है, इसकी क्या होती हमारी चौथा पॉइंट अधिक होती है, क्या होती हमारी अधिक होती है। आए बस समझ में कि नहीं आई समझ में, ठीक। पांचवा पॉइंट मान लो कि ऑपरेशन, ऑपरेट, क्या लिखेंगे लिंग ऑपरेट, ऑपरेट कहने का मतलब है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसका ऑपरेशन बंद होता है चालू या बंद करते हैं, इसमें क्या होती है हमारी डायरेक्ट लाइन में ऑन बाई स्टार्ट बाई यस यस पॉइंट
स्टार्ट बाय पुश ऑन बटन, पुश ऑन ऑफ बटन, क्या लिखेंगे? पुश ऑन ऑफ बटन, ठीक है, स्टार्ट बाय पुश ऑन ऑफ बटन, ओके, आ गई बात समझ में, ठीक है, ये यही समझ में आई। इसमें किसका उपयोग करते हैं? हैंडल का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? पांचवा पॉइंट, स्टार्ट बाय हैंडल, हैंडल फर्स्ट, फर्स्टली कनेक्ट, फर्स्टली कनेक्ट स्टार, स्टार देन नहीं देन नहीं, व्हेन मोटर, व्हेन मोटर अचीव फुल स्पीड, देन कनेक्ट डेल्टा, देन कनेक्ट डेल्टा, यानी कि इसको हैंडल के द्वारा स्टार्ट करते हैं, पहले इसको स्टार में कनेक्ट करते हैं, फिर इसको किस में करते हैं, डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है ऑपरेटेड वोल्टेज, क्या ऑपरेटेड वोल्टेज, ऑपरेटेड वोल्टेज ये किस पे ऑपरेट, स्टार्ट दो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, ये फुल वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, किस पे ऑपरेट होता है, फुल वोल्टेज पे, छोटा पॉइंट था ना, जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है वो किस पे ऑपरेट होता है, फुल वोल्टेज पे, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, फुल वोल्टेज के, फुल वोल्टेज, फुल वोल्टेज की 58.8% वोल्टेज पर क्या होती है, ऑपरेट होती है, वोल्टेज ऑपरेटेड कि फुल वोल्टेज के 58.8% वोल्टेज पे क्या होती है हमारी मोटर, क्या होती है हमारी, ऑपरेट होती है, ठीक है ना। कॉस्ट की बात कर लेते हैं, क्या हमारे कॉस्ट की बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, सस्ता होता है, तो क्या लिखेंगे लोग, चीप, चीपर, ये हमारा क्या होता है, महंगा होता है, तो क्या लिखेंगे लोग, महंगा क्या बोलते हैं, दिमाग से उतर रखे हैं, हाई कॉस्ट, कॉस्टली, क्या लिखेंगे लोग, सिंपल सी बात, कभी कभी हो जाता है, दिमाग से तोड़ देता है, ठीक है। हम लोगों ने रेफरेंस पढ़ा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग करंट की बात करते हैं, स्टार्टिंग करंट इसमें क्या है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग करंट को कैसे करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग स्पीड की, इसकी क्या होती है, स्टार्टिंग की स्पीड की बात कर रहा है, इसकी होती है ज़्यादा होती है, इसकी क्या होती है, स्टार्टिंग में क्या होती है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है ना, ठीक है ना, इसकी क्या लेस होती है। पावर क्या होता है, 5 हॉर्सपावर तक इसका उपयोग करते हैं, इसका 15 हॉर्सपावर तक उपयोग करते हैं। स्टार्टिंग का टार्क इसमें लेस होता है, इसमें क्या होता है हमारा, मोर होता है, लेस मतलब टार्क इसमें क्या होता है, कम होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में, इसमें क्या होता है हमारा, अधिक होता है। ऑपरेट इसको पुश ऑन ऑफ बटन से, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टर में, ऑन को पुश ऑन को बटन ऑफ कर रहे थे तो हम उपयोग करते हैं, तो ये हमारा होता है। इसमें क्या होता है, इस हैंडल लगा होता है हमारा, क्या होता है, हैंडल लगा होता है, हैंडल को स्टार्ट कंडीशन में लाते हैं, फिर क्या लगाते हैं, डेल्टा कंडीशन में लाते हैं। ऑपरेटेड वोल्टेज ये फुल वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, या फुल वोल्टेज के 58.8% वोल्टेज पे क्या होती है हमारी, ऑपरेट होती है। कॉस्ट ये सस्ता होता है, ये हमारा क्या होता है, हमारा महंगा होता है, ठीक है, ठीक है, पुश हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बेसिकली तीन टाइप में होता है, एक होता हमारा मैनुअली, एक होता हमारा मैनुअली, दूसरा होता हमारा सेमी ऑटोमेटेड होता है, सॉरी मतलब सेमी ऑटोमेटेड, मतलब कहने का मतलब है कि हाथ से का भी आवश्यकता पड़ता है, और क्या होता है हमारा
अर्ध स्वचालित किसे बोलते हैं, सेमी ऑटोमेटेड बोलते हैं। दूसरा होता हमारा स्वचालित ऑटोमेटिक। क्या होता हमारा, तीन तरह का स्टार्टर होता है हमारा, स्टार टाइप्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो क्या लिखें हम लोग, टाइप्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, टाइप्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, इसमें पहला होता हमारा मैनुअली, मैनुअल। दूसरा होता हमारा सेमी ऑटोमेटेड। तीसरा होता हमारा ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तीन प्रकार के स्टार्टर होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सीधी सीधी बता दो, जो मैनुअल स्टार्टर होता हमारा, मैनुअल। ठीक है, मैनुअल में क्या होता है, पूरा काम मतलब क्या होता है, अपने ही करना होता है। आई बात समझो ना, चालू बंद करने का सिस्टम जो भी होता है, जो हम लोग देखा वो हमारा क्या है, मैनुअल सिस्टम होता है। सेमी ऑटोमेटेड मतलब क्या होता है कि मतलब आपको हाथ का भी अपने हैंड का भी उपयोग करना पड़ता है, और कुछ में होता है ऑटोमेटिक सिस्टम भी होते हैं हमारे। ठीक है ना, ये जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है मतलब कि ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्या होता है, एक बार पुश ऑन बटन कर दिया, जैसे कि क्या होता है मैनुअल में क्या है, आपको हैंडल नीचे लेना है फिर ऊपर लेना है, ठीक है। लेकिन जो ऑटोमेटिक होता है इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, पुश ऑन बटन होता है, पुश ऑन ऑफ बटन होता है। एक बार इसको पुश कर दिएगा, चालू कर दिए, ऑटोमेटिक सिस्टम उसमें होता है मोटर में, स्टार्टर में। वो क्या करता है, ऑटोमेटिक से पहले स्टार में कनेक्ट करता है, फिर किस में कनेक्ट करता है, डेल्टा में कनेक्ट कर लेता है वो। ठीक है ना, तीन प्रकार के स्टार्टर होते हैं, मैनुअल, सेमी और सेमी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक। आई बात समझ में। अगला है हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। क्या हमारा, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, मिटा दे इसको। इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस के लिए पूछता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में आपके, बस क्या करेंगे ज़्यादा पढ़ के उसका। हमारा अगला है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। रोटर रेजिस्टेंस जो स्टार्टर होता है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, एग्जाम में क्या पूछता है, स्लिप रिंग मोटर को इसका उपयोग किसमें करते हैं, स्लिप रिंग लिख ही नहीं रहे, गोद रहे खाली, इसका उपयोग स्लिप रिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखो इस स्टार्टर का क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है हमारा, हाई होता है। ठीक है, स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। अब इसका और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड होता है और स्टार्टिंग टार्क भी आता है। जैसे जैसे मोटर की घोड़न गति बढ़ते लगती है, घोड़न गति मतलब स्पीड धीरे धीरे जैसे बढ़ने लगती है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, पूरा तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं हटा देते हैं। ठीक है, और मोटर अपनी फुल स्पीड है क्या हमारी चलने लगती है। तो ये होता है हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब है अगला है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में क्या होता है कि हमारा ऐसी स्थिति का नॉब बनी होती है हमारी। नेक्स्ट हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में क्या होता है हमारा, बेसिकली इसमें एक घुमाने वाला नॉब बना होता है ऐसे करके। ठीक है, इसको जितने स्पीड से चाहें उस स्पीड से क्या कर सकते हैं, मोटर को चला सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, इस तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। उसमें क्यों होता है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग होती है हमारी इस तरीके से होती है हमारी टैपिंग के माध्यम से बेसिकली। तो ये हमारी मान लो ये हमारी एक सिंगल बाइंडिंग है, इसको दो भागों में टैपिंग क्या कर लेंगे, मान लो ये प्राइमरी हो गई और ये हमारी क्या हो गई,
सेकेंडरी हो गए, प्राइमरी को सप्लाई देंगे, सेकेंडरी से क्या करेंगे आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, इसको इसी तरीके से उपयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग, ठीक है ना। ठीक, तो ये था पूरा हम लोगों का स्टार्टर, कि स्टार्टर को कैसे क्या क्या करते हैं, कहाँ पे कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी कि कैसे इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब के लिए अगर आपको क्लास पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे, ठीक है। धन्यवाद।